बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम दाल चावल बना रहे हैं, खड़ी मसूर की दाल बनाएंगे और बॉयल्ड राइस बनाएंगे साथ में, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, 250 ग्राम मैंने दाल भिगोई हुई है और 1/2 kg मैंने राइस, इसको मैंने 15 मिनट के लिए इसको सोक करके रख दी है दोनों चीज़ों को। और ये देखें, कुकर में मैंने डाली है दाल और इसके अंदर अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है और हल्दी डाल के बस सिर्फ इसको डाल के हम चढ़ा देंगे कुकर में और हम अच्छे से गला लेंगे। अब हमारी दाल उधर गल रही है, इतनी देर में हम थोड़ा सा मसाला भून लेंगे। इसके लिए प्याज डाली है मैंने, 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं उसमें और आधी प्याज मैंने फाइन चॉप करके इसमें डाली है। और ये मैंने 2 टमाटर हैं, इसको ब्लेंड कर लिए थे, इसको हमने डाले हैं इसके अंदर, ऐड किया है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इसको हम भून लेंगे। ये हम अपने दाल का तड़का बना रहे हैं, इसको हम करेंगे ऊपर से, फिर हम हल्का सा बघार लगाएंगे। कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने, जीरा डाला है इसके अंदर और इसके अंदर मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है इसके अंदर मैंने। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। बहुत ही मज़े की बनती है, इस तरह आप बनाइएगा दाल, बहुत ही टेस्टी, बड़ी चटपटी सी बनती है और राइस के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। देखें, अब हमारा मसाला अच्छे से हमारा भुना जा रहा है। ये अब ये देखें, दाल हमारी हो चुकी है, इसमें गल चुकी है, इसमें दाल में इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मैं इसके अंदर नमक, इधर हम पानी चावलों का चढ़ाए दे रहे हैं और नमक डाल के मैंने इसको रखा है इसके अंदर और हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। देखें, दाल हमारी कितनी अच्छे से पक रही है। थोड़ा सा हमने इसको पकाया है देर तक और ये अब हम इसके अंदर थोड़ा इमली का पानी डाल रहे हैं। खड़ी मसूर की दाल में जब तक थोड़ी सी खटास ना हो, मज़ा ही नहीं आता इसके अंदर। बहुत ही मज़े की बनती है वाली दाल, आप इस तरह की बनाइएगा ज़रूर। चावल देखें हमारे मैंने पसा दिए हैं, अब इसको हम दम पे लगा देंगे। गर्मियों में ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता है ये। थोड़ी सी राई ऐड कर रही हूँ मैं और ये मैंने लहसुन के जवे थोड़े से काटे हैं और ये साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा, ये हम ऊपर से इसके अंदर तड़का लगाएंगे दाल के ऊपर, जिससे दाल का टेस्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ही मज़े से ये बने, मज़ेदार से बने हुए हैं ये। और थोड़ी सी इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ, खड़ी मसूर की दाल के अंदर अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, चावल और दाल हमारे मिक्स, इसके अंदर हम मैंने कचूमर वाली सलाद बनाई है और आप अचार के साथ पापड़ तल के लगाएं, इसके साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।